اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
Biz bir misiniz?
ये है जी, यहाँ से इसकी एंट्रेंस, ये मस्जिद कुबा की एंट्रेंस है। सामने दाना दूना बेच रहे होते हैं लोग, और ये खजूर के जो ना पौधे काफ़ी ज़्यादा हैं इधर। तो यहाँ पे बहुत से लोगों का मानना है कि अगर आप दो नफल पढ़ते हैं इधर तो आपको ना एक उम्र के बराबर स्वाब मिलता है। अभी हम जाते हैं इसके अंदर, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। ये मस्जिद का जो मेन प्रेइंग हॉल है वो है, यहाँ पे लोग नफल वगैरह पढ़ रहे हैं। ये गुंबद ऊपर, उसका नीचे वाला एरिया इनसाइड वाला। Thank you.
और मस्जिद के बिल्कुल अपोजिट साइड पे आप देखेंगे तो ये है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के जो खजूरों का बाग, आप देख सकते होंगे ये अभी एरिया कॉर्डन ऑफ हुआ है, मतलब क्लोज है, हम उधर जा नहीं सकते, बाहर से ही आपको दिखा सकते हैं ये सारा, ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के जो वो खजूरों का बाग था ये सारा वो एरिया है। देखें कितनी खूबसूरत सी सनशाइन, अभी सूरज निकला फजर के बाद और बड़ी खुशगवार मॉर्निंग है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा एहसास हो रहा है ठंडक का। काफ़ी ज़ायरीन भी इधर आते हैं, यहाँ पे नफल वगैरह पढ़ने मस्जिद नबी से सीधा इधर पहुँच जाते हैं, वो जो दो नफल पढ़ते हैं ज़्यादा तो कहते हैं अगर एक आप दो नफल पढ़ें यहाँ पे तो एक उम्रे के बराबर सवाब मिलता है। तो ये सामने जो है ये है मस्जिद अली, इसके अलावा वो है मस्जिद अबू बकर सदीक, सात मस्जिदें हैं और ये बड़ी मस्जिद जिसको जामिया उल खंदक कहते हैं, ऊपर आप देख सकते हैं वो है जो खंदक वाला एरिया था जहाँ पे खंदक की खुदाई हुई थी, ये देखें ट्रेंचेस वाला एरिया, ऊपर वो भी किला नुमा एक बिल्डिंग सी आपको नज़र आ रही होगी। सात मस्जिदें हैं बेसिकली जो इस एरिया में बने हुई हैं, यहाँ पर सहाबा कराम के जो खैमे थे वो थे, एक ये मस्जिद है इस जगह पर। तो अभी हम ऊपर जाते हैं और कुछ मज़ीद एरिया आपको दिखाते हैं ऊपर जाकर। तो वो आप सामने वो देख सकते हैं ये है जी पुराना मेहराब, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़े थे, ये आप देख सकते हैं सामने, फिर जब वही नाजल हुई तो टोटली अपोजिट वे हो गया जो कि काबा की तरफ मक्का की तरफ बिल्कुल रुख हो गया उनका, ये देखें ये फिर नया जो मेहराब था इस साइड पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख कर लिया, ये मक्का, तो ये जो साइड है ये है अक्सा वाली साइड जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख बैतुल मुकद्दस की तरफ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सआदत हुई है कि मैं अक्सा में भी गया हूँ, वहाँ पे भी हमने नमाज़ें पढ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये बस मैंने ना एक पढ़ा था इस मस्जिद के बारे में, क़िबलातैन के बारे में, तो एक शौक था कि यहाँ पर भी आके देखूँ कि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब क़िबला चेंज करने का वही नाजिल हुई थी तो उसको भी देखने का एक शौक़ था, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ख्वाहिश पूरी हो गई है। ये देखें अंदर मस्जिद का एरिया, तो ये मक्का की साइड है और ये वाली जो है बैतुल मुकद्दस की साइड, तो ये देखें टोटली अपोजिट, मतलब आसल वसलम की डायरेक्शन हो गई थी जब नमाज़ पढ़ रहे थे सहाबा के साथ।
जी अभी जिस जगह पहुँचे हैं वो आप सबको ही पता है, ये है उखद का जो एरिया, कस्बा उखद जहाँ पे हुई थी। और वो सामने देख सकते हैं लोग ऊपर भी चढ़े हुए हैं। यहाँ पे जो थे ना वो तीरंदाज बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको कहा था कि यहाँ से आप लोगों ने हिलना नहीं है, लेकिन जो भी वजह थी उसकी वजह से उन्होंने फिर वो मालिक नीमत समेटने के चक्कर में नीचे आए। तो फिर हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे उन्होंने हमला, जो उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे उन्होंने हमला किया, और फिर आपको पता है कितना नुकसान हुआ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक भी शहीद हुए, हज़रत अमीर हमज़ा इस जंग में शहीद हुए, हिंदा ने उनका कलेजा छिपाया और जिस तरह उनको शहीद किया गया। और ये सामने देखते हैं, ये देखें मस्जिद शहदा जिसको कहते हैं, पीछे सारा उहद का एरिया, उहद पहाड़ का। मैं आपसे माजत करता हूँ कि मैं दीन का सिर्फ़ तालिब इल्म हूँ, मुझे ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता। मैं अपना जो इन्हिसार है वो सारा करता हूँ, मतलब कुछ अच्छी जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं उन पे, जैसे कि कुछ इस्लामिक क्यू एक वेबसाइट है, इस तरह की जो अच्छी वेबसाइट हैं, या जैसे मतलब सऊदी की भी एक वेबसाइट है माई सऊदीया, उस पर भी अच्छी चीज़ें मिलती हैं पढ़ने को। तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई कर देना। ये सारा उहद का एरिया है, और उहद का जो पहाड़ है इसकी जो लेंथ है 7.5 किलोमीटर लॉन्ग है ये, और 1050 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। जो ये सारा देखें, ये सारा उहद वाला एरिया है, और ये मस्जिद शुहदा। तो अभी हम ऊपर जाते हैं इस साइड पे, जहाँ पे वो सहाबा को कहा गया था कि आप जो तीर अंदाज थे उनको कहा गया था कि आपने ऊपर रहना है, किसी भी हालत में इस जगह को नहीं छोड़ना। तो जब उन्होंने छोड़ा तो फिर एक जीती हुई जंग एक शिकस्त में तब्दील हो गई। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी तालीमात हैं उन पे अगर हम अमल करेंगे हमें कामयाबी है, अगर अमल नहीं करेंगे तो हमारी जो है नाकामी ही नाकामी है। अल्लाह हम सब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पे चलने की तौफीक दें। ये देखें यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है, ये देखें ये सामने उहद की माउंटेन रेंज, ये उहद का सारा मैदान इस साइड पे, ये खजूरों के बाग वगैरह भी हैं लगे हुए। देखें उस टाइम इसकी जो स्ट्रेटजिक वैल्यू थी कितनी इम्पोर्टेंस थी। इस साइड पे मदीना, ऊपर जाके देखते हैं, पहली बार आना हुआ है तो थोड़ा सा इतना ज़्यादा पता नहीं है। साथ मेरे भाई हैं एक, उन्होंने काफ़ी मुझे इन जगहों के बारे में बताया। ये देखें फिर वही काम, नाम लोगों ने अपने काम इधर भी नहीं छोड़े। ये देखें बड़ा अफसोस होता है कसम से, ये जब चीज़ें देखते हैं ना, इधर नाम लिखने का कोई तुक ही नहीं बनता। बड़ा सख्त पहाड़ है जी ये ऊपर वाला एरिया। यहाँ से ना जो मस्जिद नबवी है वो भी नज़र आते हैं उसके मीनार, जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आ रहे हैं यहाँ से, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का फासला इधर से बहुत से, बिल्कुल सीधी ये रोड जो है ये उस साइड पे जा रही है मस्जिद नबवी की तरफ। तो जब यहाँ पे मैं भी चढ़ा हूँ ना, आर्मी में भी कुछ अरसा ट्रेनिंग ली है, तो वो फील होता है कि इसकी जो स्ट्रेटजिक लोकेशन कितनी इम्पोर्टेंट थी उस टाइम। तीर अंदाज इधर खड़े थे तो खालिद बिन, जब वो उतरे तो खालिद बिन वलीद ने फिर साइड पे हमला कर दिया और एक जीती हुई जंग शिकस्त में तब्दील होगी। सामने ये उहद की रेंज है, माउंटेन रेंज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना कि उहद को हमसे प्यार है और हमें उहद से प्यार है, ये एक ऑथेंटिक मतलब हदीस है कि उहद को हमसे प्यार है और हमें उहद से प्यार है। और लोगों का मानना है कि जब क़यामत का वक़्त करीब आएगा तो जो उहद का पहाड़ है ये इस ज़मीन से चला जाएगा, ये गायब हो जाएगा, उठा लिया जाएगा। तो जन्नती पहाड़ भी है वैसे, इसको जन्नती पहाड़ भी कहते हैं। तो
अल्लाह आप सबको भी इधर आने की तौफीक दे, जो आए हैं उनको बार बार आने की तौफीक दे। ये नीचे मैदान सा बना हुआ है सारा, सामने ये सारा मदीने का एरिया। अच्छा जब आप उहद के पहाड़ के ना इधर ऊपर आते हैं तो आपको एक यहाँ से दूर एक पहाड़ नज़र आता है, मैं उसको जूम इन करके दिखाता हूँ। ये पहाड़ अभी यहाँ पे कोई पैलेस नुमा चीज़ बनी हुई है और कहा जाता है कि जो दज्जाल है वो इधर तक आएगा, इसके आगे जो हरम की बाउंड्री है वहाँ पे दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा, मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा उस दौर में। ये मैंने जूम इन किया, ये पहाड़ आपको बहुत दूर है वैसे यहाँ से, जूम इन करके दिखा रहा हूँ। हम उधर गए थे वैसे थोड़ी देर पहले, वहाँ पे जाना हुआ है, लेकिन इधर तक कहते हैं दज्जाल आएगा, इसके आगे दज्जाल का जो है ना वो दाखला मुमकिन नहीं होगा। और मदीना में जो लोग होंगे उस टाइम वो सारे नेक और परहेजगार लोग होंगे। मदीना आप देख सकते हैं इस साइड पे है ये सारा मस्जिद नबवी का एरिया, तो वो उस टाइम सिर्फ नेक और परहेजगार लोग ही मदीने में रह जाएंगे, तो दज्जाल का इधर दाखला होना एक इम्पॉसिबल सी चीज़ होगी। ये सामने आप देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है ये पहाड़, अभी तो पैलेस बना हुआ है ऊपर, महल बना हुआ है कि ये देखो ये हम कहते हैं हम सिर्फ पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या इंडियन ही ये काम करते हैं, ये कोई अरबी मुझे लग रहा है, इराक की लग रहा है। और ये देखें ये भी यही काम करते हैं, अभी ये नाम लिख रहा है, पता नहीं क्या ये विशेष लिख रहा है इधर, बहुत ही अजीब लगता है ऑनेस्टली इस तरह की जगह पर जब ये काम करते हैं। ये देखें नाम लिखे हुए, देखो अभी इससे मुझे नहीं पता इसको क्या फाका होगा, क्या इसको फ़ायदा होगा, लेकिन बहुत ही अजीब लगता है इस तरह की जगह पे ये ना ये करतूत जब करते हैं ना तो फिर सऊदी हुकूमत फिर पाबंदी लगा देगी, फिर कोई आएगा नहीं, फिर कहेंगे जी ये नजदी हैं ये फलां हैं, फिर वही आपको पता है एक रिलीजियस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता वो शुरू हो जाती है। फिर आप जिधर भी देखें पाँव रखे आगे नाम लिखा होता है, कोई ना कोई विश लिखी होती है, समझ से बाला तार है जी। तो ये जो एरिया अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये है शहदाए उहद की जो कब्रें आप वो सामने देख सकते हैं, हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र, ये जो स्टोन नज़र आ रहा है आपको, सऊदी हुकूमत ने इसको बिल्कुल कवर्ड कर दिया, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये देखें ये जो है ना ये जो कब्र आपको नज़र आ रही है ये हज़रत अमीर हमज़ा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान थे, ये उनकी कब्र है, इधर शहीद हुए थे, हिंदा ने उनका फिर वो कलेजा छुपाया था। एक मतलब दिल दहला देने वाली एक दास्तान ये भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको भी माफ़ किया जिन्होंने यहाँ तक जुल्म किए, इतने लेवल तक वो गए थे दुश्मनी में। ये सारी कब्रें उनकी हैं, ज़्यादा कब्रें तो अभी बिल्कुल निशान नहीं रहे जितने भी शहीद थे, लेकिन हज़रत जो अमीर हमज़ा हैं उनकी कब्र की निशानी अभी बाकी है। ये जो पत्थर आगे पीछे लगे हुए हैं अंदर यही बस नज़र आ सकते हैं आजकल।